नमस्कार दोस्तों, केयरलेस क्लाउड में आपका स्वागत है। कई बार ऐसा होता है कि यूट्यूब से आप जो वीडियो कुछ वीडियोस देखना चाहते हैं, कि आप कुछ गाना सुनना चाहते हैं लेकिन वीडियोस नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है कि आपको वीडियोस देखना पड़ता है, क्योंकि आप अगर यूट्यूब का ऐप से कोई भी म्यूज़िक चलाते हैं या फिर गाना चलाते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक नो कॉपीराइट फ्री एक म्यूज़िक मानिए कुछ ये वाला मैंने चलाया। देखिए यहाँ पे मैंने जो म्यूज़िक चलाया यहाँ पे, तो मैं अगर ऐप को बंद करता हूँ तो वो म्यूज़िक भी बंद हो जाता है। इसका मतलब आपको जो आप अगर कुछ गाना सुनना चाहते हैं तो आपको वीडियो भी देखना पड़ता है, और उसके लिए आपका इंटरनेट का जो डेटा है वो भी बहुत ज़्यादा गंवाना पड़ता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि यूट्यूब का कोई भी वीडियो आप MP3 जैसे सुन सकते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि आप उसको चलाते हुए ही, उसको सुनते हुए ही आप कुछ और भी काम कर सकते हैं मोबाइल में। कोई ऐप और दूसरा ऐप हो, जीमेल हो या फिर फेसबुक हो, कुछ भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप हो। और तीसरी बात यह है कि आप अगर स्क्रीन को लॉक भी कर दें तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका गाना चलते रहेगा बैकग्राउंड में, ठीक है। इससे आपका इंटरनेट का जो डेटा है वो बहुत ही कम जाएगा। दूसरी बात यह है कि उससे आपका उसमें एड्स भी बहुत कम आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ ब्राउज़र चाहिए। ब्राउज़र मतलब गूगल क्रोम से भी हो सकता है या फिर मोजिला फायरफॉक्स जो है उससे भी हो सकता है। मैं आपको दिखाऊंगा गूगल क्रोम से कैसे होता है। तो यहाँ पे मैंने क्रोम जो है मैंने पहले डाउनलोड करके रखा है, तो ये आपको दिखा दे रहा है। तो मैं यहाँ पे गूगल क्रोम को खुलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे मैं गूगल क्रोम में कुछ यहाँ पे देखिए, मैं आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे YouTube का जो है साइट खोलना पड़ेगा, youtube.com, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया और एंटर मार दिया तो मेरा जो है YouTube खुल गया, ठीक है। अब जो है देखे यहाँ से भी अगर मैं चलाता हूँ, मान लीजिए NCA नो कॉपीराइट का कुछ कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक मैं चलाता हूँ यहाँ से, तो लेट मी सी अगर मेरे को सेम म्यूज़िक मिल जाए। चलिए कोई नहीं, till I get up, time is barely on our side. ठीक है, तो इससे जो है अगर गूगल क्रोम से आप सुन रहे हैं, इसको अगर बंद कर देते हैं तो ये बंद हो जा रहा है। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ेगा। वो सेटिंग क्या है, वो जो राइट टॉप राइट कॉर्नर में तीन डॉट्स दिख रहा है आपको, आपका मोबाइल का टॉप राइट कॉर्नर में गूगल क्रोम का, उसमें क्लिक करके आपको ये जो ऑप्शन आएगा इसमें से देखिए नीचे की तरफ एक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ डेस्कटॉप साइट, बस उसको आपको सिलेक्ट करना है, डेस्कटॉप साइट। तो मैंने उसको सिलेक्ट कर दिया। अब ये जो है ये मोबाइल साइट से चला जाएगा डेस्कटॉप साइट में, तो आ गया ये डेस्कटॉप साइट में ओके, ये आ गया डेस्कटॉप साइट में, ठीक है। अब अगर आप इस म्यूजिक चला दो, ये म्यूजिक चल रहा है, देखिए मैं अगर आप होम स्क्रीन तो ये फिर से बंद हो गया। लेकिन आप अगर आपका नोटिफिकेशन बार जो है टॉप से अगर इसको डाउन करते हैं तो यहाँ पे दिखेगा, आपको दिखा दे रहा वो म्यूजिक जो है वो ऑन है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आपको देखिए तीन बटन दिख रहा है, प्रीवियस, नेक्स्ट और प्ले। तो आप यहाँ पे अगर प्ले बटन को क्लिक करते हैं तो देखिए ये चालू हो गया, ऑन हो गया। अब इसको अगर बंद भी कर देते, देखिए अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, म्यूज़िक मेरा बैकग्राउंड में चलते रहेगा। आप यहाँ पे गेम भी खेल सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। फेसबुक कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, म्यूज़िक आपका बंद नहीं होगा, म्यूज़िक चलते रहेगा। इससे आपका जो है आपका वीडियो का जो है उसका आपका डेटा जो है बहुत कम खाएगा इंटरनेट का डेटा, ठीक है। यहाँ से आप प्ले भी कर सकते हैं, पॉज भी कर सकते हैं, और ये अगर चलते रहता है यहाँ पे, अगर आप इस
इसको चलाते हुए अगर आप स्क्रीन को आप लॉक भी कर देते हैं, लॉक करने के बाद भी जैसे कि आपको MP3 चलाने पर आप स्क्रीन लॉक करने के बाद आपको दिखता है कि ये तीनों बटन दिखता है, वो तीनों बटन दिखेगा, तो उसमें उससे भी आप लॉक किया हुआ स्क्रीन पर भी आप ये जो म्यूज़िक है ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते, या फिर आप चेंज भी कर सकते हैं बिना अनलॉक किए हुए, ठीक है। और एक खासियत यह है, मैंने देखा कि अगर आपको ये म्यूज़िक जो है अगर कोई ब्लूटूथ स्पीकर से चल रहा है तो उसका बटन से भी आप ये जो है प्ले पॉज या फिर नेक्स्ट प्रीवियस जो है कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा गूगल क्रोम से, और फायरफॉक्स से भी आप ये कर सकते हैं। फायरफॉक्स में मैंने देखा आप ये ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम फायरफॉक्स में ये है कि ऑटोमेटिक चलते रहता है और आपका जो वो तीन प्ले पॉज बटन है ना वो आपको दिखेगा नहीं फायरफॉक्स में। ये देखिए फायरफॉक्स में मैं चला रहा हूँ, एक मेरा जो फिजिक्स प्लेटर का वीडियो है वो मैं चला रहा हूँ अभी। कॉन्वेक्स कॉनकेवो कॉन्वेक्स देयर कैन बी थ्री टाइप्स ऑफ, इसको भी मैं डेस्कटॉप में लेके गया, डेस्कटॉप साइट में लेके गया। चलिए ये भी डेस्कटॉप साइट में आ जा। ये जो है मेरा फिजिक्स का कटिंग साइट है ये, तो इसका एक वीडियो मैं चला रहा हूँ। देखिए ये जो है डेस्कटॉप साइट में आप ये वीडियो चलेगा। इसको अगर आप अब बंद कर देते हैं तो ये चलते रहेगा, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि इसको आपको ये जो क्रोम का दिया है ना ये तीन बटन ये आपको फायरफॉक्स में नहीं दिख रहा है। फायरफॉक्स में आप लॉक स्क्रीन या फिर इसमें कंट्रोल नहीं कर सकते, हालांकि लॉक स्क्रीन पर भी ये चलेगा आपका MP3 जैसा ही चलेगा, लेकिन इसमें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको फिर से फायरफॉक्स खोल के इसको जो है पॉज करना पड़ेगा या फिर नेक्स्ट कुछ भी करना चाहते हैं तो करना पड़ेगा, ठीक है। ओके गाइस, तो ये था आज का वीडियो, आप जो है एंजॉय कीजिए, म्यूज़िक जितना हो सके म्यूज़िक सुनते रहिए आप। आपको कोई और कम करने का ज़रूरत है मोबाइल में तो वो भी आप कर सकते हैं, बिना किसी झिझक के आप म्यूज़िक सुनते हुए काम कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, टेक केयर।